वेलकम दोस्तों। सो जैसे हमारे पास हेडिंग है लाइन एंड प्लेन, तो हमने इसके पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस और लाइंस देखे है, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन, उनके बीच में एंगल वगैरह ये सब चीज़ें देखी है। अब उसी प्रकार बच्चों दोस्तों हमको क्या करना है, प्लेन देखना है, ठीक है, ये प्लेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में उनके भी इक्वेशंस देखने हैं अलग अलग, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, यानी प्लेन को किस तरह से बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो प्लेन बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी प्लेन, ठीक है, एकदम सिंपली जो भी सरफेस होगा आप उसको प्लेन समझ जाइए। जैसे अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा ये जो बोर्ड है सरफेस है, प्लेन है, कोई एक आधी दीवार ले लो आप, वॉल ले लो, ठीक है, वो क्या है, अपना प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर जाते हैं तो प्लेन को डिफाइन करने के लिए सिंपली हम ये कहेंगे कि प्लेन क्या है, कि एक कोई भी एक सरफेस, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोई भी इस तरह से एक आधा शेप वाला कोई भी क्या कर देता हूँ, मैं सरफेस निकाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कि उसमें अगर मान लीजिए कि मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ और इसमें अगर, ठीक है, देखो ये जो सरफेस है, ठीक है, इसमें अगर मैंने दो पॉइंट ले लिए और इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक लाइन मिलेंगी, तो ये लाइन पूरी तरह से इसी सरफेस में आएंगे, तो समझ जाओ कि ये सरफेस हमारा क्या है, प्लेन है। यानी प्लेन को क्या कहेंगे, सिंपली द सरफेस सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट, ठीक है। यानी इस सरफेस पर किसी भी दो पॉइंट को, मान लीजिए इसको नाम दे देता मैं ए और बी, किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दो तो जो लाइन मिलेंगी वो पूरी तरह से उसी में रहेंगी, ठीक है, उस सरफेस पर ही रहेंगी, तो उस सरफेस को ही क्या कहेंगे हम, प्लेन। यानी सिंपली अगर बात करना चाहेंगे तो प्लेन यानी आप सरफेस ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई किताब है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है, आप ये सरफेस है कोई, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, ठीक है। अभी देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर आ रहा, ये वर्टिकल प्लेन नजर आ रहा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कह दूँ तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये सरफेस है, तो ये आपको क्या देगा, प्लेन देगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ इसमें थोड़ी छोटी मोटी कंसेप्ट आती है, उनको समझते, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, तो हमको प्लेन के अलग अलग फॉर्म में इक्वेशंस भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि नॉर्मल की, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ध्यान में रखो नॉर्मल का मतलब सिंपली परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए फिर से बात कर रहा हूँ मैं, ये जो हमारे पास में सरफेस है जिसको हमने प्लेन कहा हुआ है, ठीक है, अब कोई लाइन जो इसमें से पास हो रही और 90 का एंगल बना रही, तो आप इस परपेंडिकुलर को ही क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसको परपेंडिकुलर है, लेकिन जब मैं ये बोर्ड पर इस तरह से ये करूँ तो आप मुझे बताओ बच्चों कि ये मैं हवा में ऐसे निकाल नहीं पाऊँगा। जब हवा में निकाल नहीं पाएंगे तो प्रैक्टिकली हम इसको देखो ऐसा, लेकिन निकालते समय फिर ऐसा बता देते हम। तो मान लीजिए कि कोई एक आधी नॉर्मल है, ठीक है, ये यहां पर इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप बोले कि सर ये तो परपेंडिकुलर लग नहीं रही, बच्चों ये ऐसी है ही नहीं, एक्चुअल वो कैसी है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से है, लेकिन हम इसको बता नहीं पाते इस तरह से, इसलिए फाइनली इसे हम ऐसा बताएंगे। तो जो नॉर्मल होती है हम उसको क्या करेंगे, वेक्टर यन से बता देंगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है हमारे पास, ये हमारा प्लेन हो गया और ये उसको नॉर्मल हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो उसको सिंपली 90 का एंगल बनाकर जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, वहाँ पर नॉर्मल, यानी नॉर्मल टू द प्लेन, ये जो प्लेन है इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल कहेंगे, ठीक। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल को कैसे निकालते वगैरह हम सब चीज़ें देखने वाले हैं, आप टेंशन मत लो उस चीज़ का, ठीक है। तो सिंपली प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब सरफेस, ठीक है। दूसरी बात नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, इसका मतलब क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, टू द प्लेन, यानी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसको नॉर्मल बोलेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब बच्चों अगर बात करते हैं कि कोई भी प्लेन को किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो यानी हम बोलेंगे हाउ टू डिटरमाइन द प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें ध्यान में रखो, अगर मान लीजिए कि कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इससे भी क्या बन जाएगा बच्चों, आपका प्लेन बन जाएगा। अब ये बनने का मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन पूरी तरह से इस बोर्ड पर आ गई, मतलब हम यहाँ पे कहेंगे दोज लाइन्स लाई अलोंग दिस बोर्ड अलोंग दिस प्लेन, ठीक है। तो इसके कारण दो इंटरसेक्टिंग लाइन के कारण क्या बन सकता है, आपका प्लेन बन सकता है। अगर मान लीजिए ये केस हो गए आपके, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो देखो दोनों के दोनों बोर्ड पर आ गए, मतलब इसमें से भी एक प्लेन जा सकेगा, ठीक है। यानी क्या बनेंगे बोलेंगे यहाँ पर हम कि प्लेन दो पैरेलल लाइन है उनको अगर बराबर प्लेन उसमें से निकाल दो, ठीक है, तो प्लेन बन जाएगा। या फिर उल्टा बोलेंगे जो पैरेलल लाइन्स है वो उस प्लेन में रहते हैं जिसको हम कोप्लेनर बोलेंगे। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन भी कोप्लेनर होती है, पैरेलल लाइन्स भी क्या होती है, कोप्लेनर होती है। उसके बाद में ये सेकंड हो गया, उसके बाद एक आधी मैंने लाइन ले ली और कोई एक आधा पॉइंट ले लो तो उससे भी क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और उसके आउटसाइड कोई पॉइंट है तो वो उसमें से भी एक प्लेन जाएगा। आप बोलेंगे सर अगर मैंने हवा में निकाल दिया यहाँ पे एक आधा पॉइंट लिया तो प्लेन इस तरह से जाएगा, ठीक है। यानी
इंटरसेक्टिंग लाइंस से भी हमको प्लेन मिलेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस कोप्लेनर होती है। पैरेलल लाइन से प्लेन मिलेगा, मतलब पैरेलल लाइन कोप्लेनर होती है। एक लाइन और अगर उसके आउटसाइड कोई पॉइंट है तो उससे भी प्लेन बन जाएगा, मतलब वो भी कोप्लेनर होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखो। या फिर अगर मान लीजिए कि मैं तीन अलग अलग पॉइंट लेता हूँ, तीन अलग अलग पॉइंट है, ये नॉन कोप्लेनर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनको भी अगर जोड़ दो तो एक आधा प्लेन बन जाएगा। अब प्लेन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरह से जो बोर्ड है रेक्टेंगुलर वगैरह वैसा ही बताओ, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हमारी सीढ़ी होती है तो सीढ़ी भी क्या है, सर्कुलर प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस है वो, ठीक है। तो इन सब से ये चीज़ या फिर ये चीज़ ये सभी के सभी हमारे कोप्लेनर है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले कहा नॉर्मल का मतलब क्या है, तो नॉर्मल का मतलब ऐसी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो उसको अगर जाती है उसमें से प्लेन में से तो वहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे तो वो नॉर्मल हो गए। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास हेडिंग डाल के रखिए इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। अब अच्छा यहाँ पर क्या करने वाला, मैं इधर में समझा देने वाला हूँ, और यहाँ पर एक एक करके अलग अलग इक्वेशंस, ठीक है, प्लेन के हम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखो बच्चों कि होता क्या है कि दो तीन प्रकार के इक्वेशंस होते हैं। जैसे वेक्टर इक्वेशन होगा जिसमें वेक्टर्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिल जाएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, और प्लेन, ठीक। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, कुछ स्केलर्स आपको मिलते हैं, जैसे लैम्डा मिलता है, म्यू मिलता है, ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर है तो आप उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल सकते हो। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे अलग अलग क्या करने हैं, इक्वेशंस बनाने, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग अलग कंडीशंस देखते हैं। जैसे इसमें से पहली कंडीशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखना है, तो प्लेन पासिंग थ्रू यानी प्लेन की कंडीशन लेंगे, प्लेन की स्पेशल कंडीशन। तो पहला क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, प्लेन, ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, समझो मैं उसको नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, जिसका पोजिशन वेक्टर होगा स्मॉल ए, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, समझो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ वेक्टर यन, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर कोई एक आधा क्या कर लेता हूँ, देखो प्लेन है, एक प्लेन जो किसमें से पास हो रहा है, इस पॉइंट ए से, इसका मतलब पॉइंट ए इस प्लेन में होगा, ठीक है। तो ये समझो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जिसका पोजिशन वेक्टर ए होगा, और पॉइंट ए के अगर आप ये लेते हो कोऑर्डिनेट्स लेते हो तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे इसको x1 y1 z1, समझो कोई है, ठीक है, इससे हमको a मिल जाएगा। आपको मालूम है a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में x1i + y1j + z1k, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले लिया, तो देखो क्या कहा उसने, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ए, तो इसमें से वो पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट उस प्लेन में है, ठीक है। दूसरी बात, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर यन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बता नहीं पाते तो मैंने कहा था वो आप इस तरह से बताएंगे, ठीक है। तो ये समझो हमारा क्या है, वेक्टर यन। जो नॉर्मल होता ना बच्चों, ध्यान में रखो, नॉर्मल को निकालने के लिए हम उसके डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे, यानी यन अगर निकालना है तो समझो वेक्टर ai + bj + ck, समझो। तो यहाँ पर हम लास्ट टाइम में भी पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ए बी सी यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब कौन से कि नॉर्मल निकालते समय क्या ध्यान में रखेंगे, ये, अच्छा नॉर्मल अगर ये है बच्चों, तो यहाँ पे ये तो ai + bj + ck, अगर स्पेशल, अगर मान लीजिए स्पेशल प्लेन्स है, ठीक है, तो उसकी नॉर्मल भी हमारे पास में प्लेन होती, ठीक है। जैसे इस यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या लिए हमने, ए बी सी लिए। अगर मान लीजिए कि कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, कोई क्या है, एक्स वाई प्लेन, तो समझो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को अगर नॉर्मल है, ध्यान दो, एक्स वाई प्लेन को नॉर्मल है तो किसके ऊपर आएंगे, जेड के ऊपर, वो किसके ऊपर आएंगे, जेड के ऊपर। यानी अगर हम बात करते हैं नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, तो वहाँ पर जेड के ऊपर आएंगे, इसलिए उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 0 0 1, ध्यान में रखो, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के लिए ए जीरो होगा, बी जीरो होगा, सी क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर वाई जेड प्लेन लेते, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन लेंगे तो उसको नॉर्मल जाएंगे, वो एक्स के ऊपर आएंगे, इसलिए एक्स वाला यानी पहला 1 होगा, फिर 0 0, ए 1 होगा, बी 0, सी भी 0। अगर मान लीजिए कि हम एक्स जेड प्लेन लेते हैं, एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड को अगर लेते हैं तो वहाँ पर वो वाई के ऊपर नॉर्मल आएंगे, तो वहाँ पर 0 1
जीरो, ये हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, स्पेशल प्लेन्स है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसके अलावा कोई और प्लेन अगर दे दिया जाए, तो सिंपली ध्यान में रखना कि उसको जो नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल का जो इक्वेशन रहेगा, जो डायरेक्शन रेशियो से हम निकालेंगे, तो यन इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ए बी सी उसके क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ये कंडीशन, कौन सा प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है, उससे हमको पोजीशन वेक्टर ए का मिल जाएगा और परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है। यानी इसको ये इस तरह से, यानी नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर है, उल्टा भी बोलेंगे ये प्लेन इस नॉर्मल को परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इससे इक्वेशन निकालना है। अब बच्चों क्या करते हैं, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में कोई एकादा मैं और एकादा पॉइंट ले लेता हूँ, समझो पॉइंट पी है जो जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स लेने वाला हूँ, समझो ये एक्स वाई और जेड है, सो वेक्टर आर क्या मिलेगा, अब वेक्टर आर हो जाएगा यहाँ पर क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक लाइन मिल गई। कौन सी लाइन है, कौन सा वेक्टर है यहाँ पर हमारे पास, वेक्टर ए पी है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो हमारे इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली इसको भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये हमारा वेक्टर यन और ये वेक्टर ए पी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है बच्चों, तो वहाँ पर वेक्टर ए पी और ये वेक्टर यन, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हम लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं कि दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है, तो उनके उनके ऊपर जो वेक्टर्स होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, यहाँ पर ए और यन ये हमको दिया हुआ था, हमने खुद होके कोई एक आधा पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, जिसका पोजिशन वेक्टर आर है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये नॉर्मल ऐसी दिखाने के लिए, लेकिन असल में ऐसे रहेंगे, तो ये प्लेन को अगर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को भी रहेंगे, इस वेक्टर को भी रहेंगे, तो वेक्टर ए पी और ये वेक्टर यन, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करो, सॉल्व करो। तो वेक्टर एपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए, हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, इनटू वेक्टर यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, मैंने वहां पे वेक्टर पी लिया, एक्चुअली वेक्टर पी का जो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, तो यहां पर क्या लेंगे हम, आर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो वेक्टर आर ये डॉट वेक्टर यन हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर यन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब आप क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी वेक्टर आर डॉट वेक्टर यन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर यन, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो प्लेन की भी स्पेशलिटी यहाँ पर ली है मैंने, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, ताकि ये हमारे नोट्स बने, डायरेक्ट ध्यान में रखें, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूरा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इंटू वेक्टर यन इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर यन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते, ये देखो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर यन है, इनका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को दूसरी भाषा में हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एकादा स्केलर मिलेगा, मतलब एकादा नंबर मिलेगा, समझो इसको मैं डी कह ले लाऊँ, कहता हूँ यहाँ पर, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर यन इज इक्वल टू डी समझो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर यन की जगह पर मैं डी लिख देता हूँ, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ठीक है यहाँ पर और कह ये लिख देते, ठीक है, कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर यन जो नंबर आता है समझो, वो नंबर डी है, ठीक है। सो यहाँ पर वेक्टर आर इंटू वेक्टर यन इज इक्वल टू अब डी, ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन भी बच्चों यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, इसको भी हम क्या लेंगे, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन क्यों, क्योंकि देखो सभी के सभी जितने भी है वो वेक्टर में है, ठीक है। तो इन्हें कहेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की स्पेशलिटी ये है कि वो पॉइंट ए से जा रहा और नॉर्मल को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब चलो अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ध्यान दो, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बार बार हम देखने वाले, ठीक है। अब ये हमारे पास में है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हमें ये चीज़ है, वेक्टर ए इंटू सॉरी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एन है, ठीक है। अगर सोचो भला ये आर की वैल्यू अगर मैं ये रख दूँ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आप देखो आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है।
ये हो गया माइनस, ए को अगर रख दो तो ए को क्या है यहाँ पर एक्स वन आए, ठीक है, प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के है, ठीक है, ये है इनटू वेक्टर एन है बच्चों, तो वेक्टर यन क्या है ये है, तो वेक्टर यन, ठीक है, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर वेक्टर यन लिख लेता हूँ, ठीक है, तो वेक्टर यन का क्या था अभी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के था, ठीक है, ये इज इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक, अब आप यहाँ पे देखो अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सिंपली क्या है सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो तो x माइनस एक्स वन होगा, तो यहाँ पर x माइनस एक्स वन साथ में i आएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा y माइनस वाई वन साथ में j आएगा, प्लस यहाँ पर z माइनस जेड वन साथ में k आएगा, ठीक है, तो ये एक पोर्शन हो गया और साइड में फिर से कौन है ए आई, ठीक है, प्लस बी जे, ठीक है, यहाँ पर बी जे है प्लस सी के है और इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कोएफिशिएंट के यानी कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट्स की एडिशन, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट ये है और यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन है ए है, ठीक है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो इक्वेशन मिलेगा लिख देता हूँ मैं ए इंटू यहाँ लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी का यहाँ पे होगा तो बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस यहाँ पे सी होगा तो सी क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड वन, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते अगर जाओ, ठीक है, तो ये एक्चुअली आप इसको भी क्या कह सकते हो यही हमारा देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स एक्स वन ये कोऑर्डिनेट्स रख दिए तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते, ठीक है, मान लीजिए कि मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस ए वन एक्स, ठीक है, ए एक्स वन सॉरी, यहाँ पर होगा बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस ये सी जेड माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इनको मैं साथ में ले लेता हूँ यानी कौन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक ये दो और ये तीन इनमें से माइनस निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल टू जीरो। और बच्चों यहाँ पे इतना जो पोर्शन है इस पोर्शन के जगह पे मैं मान लीजिए कि डी रख देता हूँ, ठीक है, यानी इसके कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू आएंगी समझो क्योंकि डायरेक्शन रेशो ए बी सी और एक्स वन वाई वन जेड वन ये हमारे पॉइंट ए के क्या है कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा समझो वो क्या है डी रखता हूँ यानी माइनस, देखो ये पूरा का पूरा माइनस ये ब्रैकेट इज इक्वल टू डी, तो फिर फाइनली क्या मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इस पूरे के जगह पे मैं रखता हूँ डी इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो मिलता बच्चों ये हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हमारा कौन सा हो गया वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान में क्या रखना ये कौन सा हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इक्वेशन तो मैंने लिख लिया लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअली किस तरह से आया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बच्चों हमने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर पहली कंडीशन कौन सी थी कि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल देन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू ए एन या फिर आर एन इज इक्वल टू डी। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब डी की बात करेंगे तो डी इज इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लेते हैं, दूसरे पद्धति से लेते हैं इक्वेशन, ठीक है, हमको दो तीन प्रकार से यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखो ए का क्या था आर का क्या था यन का क्या था, ठीक है, डायरेक्शन रेशो के अनुसार सब चीज़ें यहाँ पर हमको लेनी है, ठीक। चलो अब हम लेते हैं सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट तो ए ही लेंगे पॉइंट समझो ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए। अब आपको मालूम है ए क्या है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक है एंड ध्यान में रखो पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। अब ये किस तरह से तो देखो मान लीजिए कि सबसे पहले ये हमारे पास में प्लेन है, ठीक है, ये किस में से जा रहा है पॉइंट ए में से जा रहा है तो ये पॉइंट ए हो गया जिसका पोजिशन वैक्टर ए है, ठीक है।
अब ठीक है, यहाँ पर क्या कहा उसने, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, देखो इसमें से गया मतलब पॉइंट इसके ऊपर आ गया। दूसरी बात, पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, मान लीजिए दो वेक्टर लेते हैं, समझो ये एक वेक्टर है एक वेक्टर है, इसको पैरेलल है यानी इस तरह से आएंगे, इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी ये भी इसी प्लेन में आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कहा था जब डिटरमाइन करना था प्लेन को, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर है जिसको नाम देता हूँ मैं वेक्टर बी, और इधर में मान लीजिए कि वेक्टर क्या है, सी है। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर इसको पैरेलल, देखो पैरेलल होने का मतलब ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में आएंगे, और वो वेक्टर वो प्लेन जो है ये पॉइंट ए में से तो जा ही रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास इसका इक्वेशन निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली देखो, ध्यान दो सभी, सबसे पहले तो यहाँ पे ये वेक्टर बी वेक्टर सी है जो इसी प्लेन में, और पॉइंट ए भी इसी प्लेन में। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में आते हैं, तो स्टार्टिंग से अगर यहाँ से अगर चेक करते हैं तो वेक्टर इक्वेशन हमारा क्या था, यहाँ पे देखो तो वेक्टर आर एन है, एक को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एन इज इक्वल टू जीरो, यानी सिंपली एन को कॉमन निकाल दो तो आर माइनस ए, ठीक है, इंटू एन था इज इक्वल टू जीरो। अब एन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा स्पेशल है, एन यहाँ पे क्या थी हमारी, नॉर्मल थी, तो नॉर्मल इस तरह से रहती, तो इसको हम इस तरह से बता देते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारी नॉर्मल है इस प्लेन को, ठीक है, यहाँ पर है। लेकिन अब बात यहाँ पर क्या है कि ये जो नॉर्मल ऐसी दिख रही है लेकिन असल में है वो ऐसी, इस प्लेन को अगर नॉर्मल है बच्चों तो ध्यान दो यहाँ पे वेक्टर बी को भी क्या हो जाएंगे, वो परपेंडिकुलर, वेक्टर सी को भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ठीक है, ये जो वेक्टर यन है बी और सी को परपेंडिकुलर है, और अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है ये वेक्टर सी है इसको अगर परपेंडिकुलर है तो ये कैसे मिलता है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, यानी सिंपली यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इस एन के जगह पे क्या रखेंगे, बी क्रॉस सी, यानी यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो आर माइनस ए इंटू एन की जगह पे क्या आ जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू समझो जीरो। ठीक है, अब आप यहां पे चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है, माइनस वेक्टर ए, ठीक है, डॉट यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस सी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मान लीजिए कि ये पोर्शन अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो माइनस का प्लस होगा, ये हट जाएगा तो यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास में है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन इस कंडीशन में, ये कंडीशन अलग है ये कंडीशन अलग है, इसलिए यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का वेक्टर फॉर्म जो है तो क्या आ गया यहाँ पर देखो r इंटू ए, ठीक है, तो सिंपली लिखेंगे वेक्टर r डॉट, ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारे पास b क्रॉस c, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास a डॉट यहाँ पर है b क्रॉस c, ठीक है, ये ध्यान में रखो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन कंडीशंस में फ़र्क है बच्चों, यहाँ पर कंडीशन अलग है यहाँ पर कंडीशन अलग है, ध्यान में रखो। कैसे एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशंस को देखने वाले, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक, तो देखो हमारे पास में इस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ जरा सा, अगर मान लीजिए कि मैं जैसे जब भी कहता पॉइंट लिया था पॉइंट पी था, समझो मैं एक आता फिर एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका पोजिशन वेक्टर आर है, अब यहाँ पर इसको जोड़ दो तो यहाँ पे वेक्टर ए भी मिल गया। अब यहाँ पर आप देखो, या इसके लिए थोड़ा सा हमको लाइन जो देखा था वेक्टर्स वेक्टर जो चैप्टर देखा था वहाँ पे जो बेसिक देखा था वहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये वेक्टर ए पी है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी, तीनों के तीनों कैसे कोप्लेनर है यानी इसी प्लेन में है। तो अगर मान लीजिए कि वेक्टर कौन है ए पी, वेक्टर कौन है बी और वेक्टर सी आर कोप्लेनर, ये क्या है हमारे कोप्लेनर, अगर है तो कोप्लेनर है तो वेक्टर ए पी को मैं बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो समझो कि वेक्टर ए पी है तो लैम्डा बी प्लस समझो म्यू है सी, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की अगर बात करते तो ये क्या है कोई स्केलर्स है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे स्केलर या फिर इसको हम पैरामीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको पैरामीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, तो ए पी है तो पी का पोजिशन वेक्टर क्या है वेक्टर आर, ठीक है, माइनस ए का पोजिशन वेक्टर क्या है वेक्टर ये, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आर इज इक्वल टू सिंपली ए को आप क्या करो उधर ट्रांसफर करो तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी ये हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आ गया, मैंने कहा था आपको लैम्डा इन स्केलर्स के फॉर्म में अगर आता है तो आप उसे क्या कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है मैं इधर में लिख देता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पर बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन
अ प्लेन, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म ये मिलेगा। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा, वेक्टर बी प्लस म्यू, वेक्टर सी। और यहाँ पर जो लैम्डा और म्यू है ये हमारे क्या है, कोई पैरामीटर्स है। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, समझा यहाँ पे दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे ये कंडीशन के लिए वेक्टर फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे इस कंडीशन के लिए वेक्टर फॉर्म हो गया और पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, तो ठीक है चलो अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दो। तो मान लीजिए ये थर्ड, तो तीसरा देखेंगे हम यहाँ पर अभी, द प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि प्लेन का जो इक्वेशन हमको निकालना है, तो यहां पर ये प्लेन की स्पेशलिटी है कि वो किस में से जा रहा है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि मान ये हमारे पास में कोई एक आधा प्लेन है ऐसा, ठीक है, और मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेता हूं। समझो पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर समझो ए है और इसके कोऑर्डिनेट समझो एक्स वन वाई वन जेड वन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बी ले लेता हूं मैं, जिसका पोजिशन वेक्टर बी है और इसके कोऑर्डिनेट समझो एक्स टू वाई टू और जेड टू है, ठीक है। और तीसरा एक आधा पॉइंट ले लेता हूं सी, जिसका पोजिशन वेक्टर सी है और इसके कोऑर्डिनेट समझो क्या है, एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री, ठीक है। अब ये तीनों को देखो आप, ए बी सी, देखो एक लाइन में हमको ये नजर नहीं आ रही, मतलब ये क्या है हमारे, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और उसमें से ये प्लेन जा रहा है, मतलब इस प्लेन में ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको मैं जोड़ दूं तो यहां पर एक वेक्टर ए भी मिल जाएगा, यहां से वेक्टर ए सी मिल जाएगा, ठीक है। और अब इसमें क्या करता हूँ कि मैं एक आधा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे इसके पहले भी हमने लिया है, ठीक है। तो समझो पॉइंट पी है जिसका पोजिशन वेक्टर आर होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है समझो वो है एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर ये जो प्लेन है, ठीक है, अब ये तो हमने लिया हुआ पॉइंट है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से थे हमारे यहाँ पर, ए बी और सी। तो इसमें से ये जो प्लेन जा रहा है इसका इक्वेशन हमको निकालना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में जो ऑलरेडी इक्वेशन है उस फॉर्म को ले लेते। तो हमारे पास में क्या है, देखो हमारे पास इक्वेशन है आर माइनस ए, ठीक है, आर माइनस ए इंटू यन इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसको ट्रांसफर करने के बाद, यन को कॉमन निकालने के बाद इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो तो आर पोजिशन वेक्टर है हमारे पी का, मिल जाएगा, ए यहाँ से मिल जाएगा। अब बचा कौन है हमारे पास में, वेक्टर यन है। अब ये वेक्टर यन क्या है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ये क्या है हमारे, नॉर्मल रहती है इसको, ठीक है, इस तरह से रहती, लेकिन हम हवा में बता नहीं पाते, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस तरह से बता देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, जो इस तरह से इसको क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर, ठीक। अब इसकी बात देखो, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, अगर यहां पर इसको लाता हूं तो ये ए बी और ए सी दोनों को भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब वेक्टर यन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बी एज वेल एज वेक्टर ए सी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। यानी सिंपली वेक्टर यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको रख देते, तो ये हमारे पास वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इंटू, यहाँ पर यन के जगह पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो और इसको सॉल्व करते जाओ तो आर माइनस ए, ठीक है। अब अगर बात करते हम यहाँ पर तो ए बी, ए बी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बात है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ए बी है तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी सिंपली ए बी है तो क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस ए सी मिलेगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए से, ठीक है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमको मिला है ये और कुछ नहीं है, यही इक्वेशन ऑफ क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहां पर हम इसका लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, और प्लेन की स्पेशलिटी ऑलरेडी हम यहां पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास में वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट, ठीक है, यहां पर होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो इस तरह से जो इक्वेशन हमको मिला है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, ये हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, दो मिनट के लिए देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास a डॉट
बी क्रॉस सी है, ठीक है। अब इसको आपने क्या कहा था, ये और कुछ नहीं है, ये तो स्पेशली हमारे पास में था, ये था हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए के जगह पे ये इस तरह से आ गया, बी के जगह पे ये आ गया, सी के जगह पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस ए, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, ठीक है। तो इसको हम और करके यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, उसके बाद सेकंड क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और थर्ड में लेंगे वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में, हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, यानी वो एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन ही है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैं इस वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन को नए फॉर्म में लिखूंगा जिसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की स्पेशलिटी हेडिंग में लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास में हमने इसको ऑलरेडी कौन से फॉर्म में ला लिया है, स्केलर ट्रिपल फॉर्म में ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब इसको हम लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट में लिखते और इनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स बोलेंगे उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम ए के कंपोनेंट्स लिखते, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखते और फिर सी के कंपोनेंट्स लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ किसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, आर माइनस ए के फर्स्ट रो, बी माइनस ए के सेकंड रो और सी माइनस ए के थर्ड रो में लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आर माइनस ए निकाल के देता हूँ और बाकी हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब आर का मतलब क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी है, तो उसके क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड है, तो ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस वेक्टर ए है तो वेक्टर ए यहाँ से मिल जाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन से, क्या हो जाएगा ये एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, ठीक है, प्लस जेड वन के, ठीक है। सॉल्व अगर करते हैं तो हम माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर तो एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ जेड माइनस जेड वन, ठीक है, तो जेड माइनस जेड वन, ठीक है, के ये बन जाएगा। यानी आर माइनस ए को देखो तो ये इस तरह से मिलता, तो ये इसके कंपोनेंट्स बोलेंगे या फिर कोएफिशिएंट बोलेंगे, ये यहाँ पर पहले आर माइनस ए के तो फर्स्ट रो में ये कंपोनेंट्स भरेंगे हम, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा सिंपली लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन, फिर वाई माइनस वाई वन, फिर जेड माइनस जेड वन हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आर और ए है तो आर और ए के अनुसार ये माइनस ए कर दो, फटाफट आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए के लिए ये हो जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, डायरेक्ट लिखते हो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तीसरा है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए ये बन जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन, थर्ड रो में तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्योंकि हमारे पास में हमने कोऑर्डिनेट्स में लिखे है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास तीन कंडीशन हो गई, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसका वेक्टर फॉर्म ही है, ठीक है, और ये उसका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे ये देखो, ये एक तरह से नोट्स के रूप में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ से हमको काम करना है, बराबर ध्यान में रखना, ठीक है। चलो तो हम अभी क्या करेंगे, एक लिखेंगे नेक्स्ट वाला नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, या फिर आप सिंपली नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल सकते हो उसको, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलो या फिर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ ये फोर्थ नंबर के, ठीक है, क्या नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ठीक, नॉर्मल फॉर्म के लिए तो मान लीजिए कि बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये एकादा कोई ऐसा प्लेन ले लेता हूँ, अब ये तो हवा में बता नहीं पाऊंगा मैं, तो ये इस तरह से कोई एकादा हमारे पास में प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है,
और ये हमारे कार्टेशियन जो है हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है आपका, और ये मान लीजिए जेड है, ठीक है। ये आपका हो गया ओरिजिन। अब ये जो बच्चों यहाँ पर जो प्लेन हमने ऐसा लिया है, अब ये ओरिजिन से इस तरह से इसको क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर। ओरिजिन से इस तरह से परपेंडिकुलर, तो मैं इसको शो कर दूंगा इस तरह से। मान लीजिए कि ये ओएन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ओएन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है। अब ओएन की लेंथ ले लेता हूँ मैं पी, यानी ये ओएन हमारे पास पी है, ठीक है। ओएन कितना है, पी। अब इसके ऊपर अगर हम लेते तो वेक्टर ओएन, ठीक है, तो वेक्टर ओएन को मैं शो कर देता हूँ वेक्टर यन से। किससे शो कर देता हूँ, वेक्टर यन से। अब इसी के ऊपर अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, तो आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, ठीक है, और डायरेक्शन उसी के ऊपर। तो वेक्टर यन का यूनिट वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर हम इससे बताते हैं कैप से, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये भी मालूम है कि यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो ओरिजिनल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस तरह से लेते हैं। तो फिर यहाँ से ओरिजिनल वेक्टर कैसे मिलेगा फिर, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेक्टर यन है, देखो वेक्टर यन है, अब यन का मैग्नीट्यूड वेक्टर यन यानी ओएन, ओएन इज इक्वल टू पी है, यानी पी इंटू क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान में ये रखेंगे कि वेक्टर यन को मैं कैसा लिख सकता हूँ, पी इंटू यूनिट वेक्टर यन हो सकता, इसका मुझे काम है, ठीक है, ध्यान में रखो। अब बच्चो क्या करता हूँ, हमेशा की तरह जैसे इसके पहले भी हमने लिया था, तो पॉइंट पी ले लेता हूँ जिसका पोजिशन वेक्टर समझो क्या है, आर है, ठीक है, और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये एन पी बन जाएगा, ये एन पी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ पी, जिसका पोजिशन वेक्टर कौन मिलने वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर पहले ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन देखो, यहाँ से ये वेक्टर गया, ये वेक्टर इधर गया, तो यहाँ से ये वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, यानी ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से अगर हम काम करते हैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ पी होगा, ठीक है। अब मैं एन पी को अकेला करता हूँ तो वेक्टर एन पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ एन बन जाएगा, ठीक। इसी को सॉल्व करो, ओ पी है, ओ पी यानी इसका पोजिशन वेक्टर आर माइनस ओ एन, तो ओ एन के लिए वेक्टर क्या है हमारे पास में, यन समझो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और एक बार इसको देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर निकाला था, ये परपेंडिकुलर ऐसा होगा और इसी में ही एन पी है, यानी ये जो ओ एन परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, इसी प्लेन में एन पी है, तो ओ एन और एन पी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, देखो कि एन पी वेक्टर एन पी, ठीक है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसको है, ओ एन को। अब ओ एन पे ही मैंने देखो यहाँ पे लिखा था ये यूनिट वेक्टर यन है, वेक्टर यन को परपेंडिकुलर होना मतलब यूनिट वेक्टर यन को भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वेक्टर यन पी इज परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर यन, ठीक है। और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे वेक्टर यन पी, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम एन पी निकालेंगे, तो एन पी ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या है यहाँ पर हमारे पास, वेक्टर आर माइनस वेक्टर एन, ठीक है, इनटू यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये वेक्टर आर है, अब ये जो एन है, तो एन बच्चों हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्या है वो, कि पी इंटू यूनिट वेक्टर एन इंटू फिर से यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आर इंटू यूनिट वेक्टर एन होगा, ठीक है, माइनस ये पी इंटू यूनिट वेक्टर यन, फिर से यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू जीरो, यानी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर यन माइनस ये पी इंटू, देखो ये सेम यूनिट वेक्टर से उनका डॉट प्रोडक्ट है जो वन आता है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो ये वेक्टर आर यूनिट वेक्टर यन, ठीक है, ये पी बन जाएगा, जो उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, आर इंटू यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू पी, यही हमारा नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, तो वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू पी, ये हमारा क्या है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारा पॉइंट हो गया। लेकिन ये पॉइंट अपने अपने ही है, इसको समझने के लिए ये हमारे पास थ्योरी है, ठीक है। हाँ वेर, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये जो पी है, पी यहाँ पर क्या है, वेयर पी क्या है, तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से ये क्या है, डिस्टेंस है, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे आप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है,
फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, यानी प्लेन पर ओरिजिन से जो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे उसकी लेंथ है पी, या फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। और आर तो हमको मालूम है इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, और यन जो है यूनिट वेक्टर यन, तो ये नॉर्मल वेक्टर जो रहेगा उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए उसको समझो इस चीज़ को, हर एक चीज़ जो हो एक एक करके इक्वेशन यहाँ पर पढ़ रहे उनको समझिए, माइंड में रखिए, उसका इस्तेमाल भी करना है बाद में हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं एक थोड़ी स्पेशल हेडिंग डाल देता हूँ पहले, क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। अब पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये हेडिंग क्या है, क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं समझती समझेगा नहीं। देखो बच्चों, ये हमारे पास में एक प्लेन होता है, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट ऐसा फ्लैट अगर कर दूँ तो ये भी एक तरह से पूरा कंप्लीट एक प्लेन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर दो प्लेन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ऐसा सीधा एकदम पूरा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा तो पूरा एक ही प्लेन होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन। अब ये प्लेन इधर से आ रहा है और ये प्लेन इधर से जा रहा है, जैसे बच्चों एक आधी लाइन आती है और ये लाइन आती है, दोनों इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट में, यानी दो लाइंस का इंटरसेक्शन सिंगल पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पर ये पूरा प्लेन ऐसा जा रहा, ये पूरा प्लेन ऐसा जा रहा, तो देखो यहाँ पर एक लाइन सी नजर आ रही है, यानी प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है, प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, लाइन होता है। और अब यहाँ पर हेडिंग देखो, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो ये जो दो प्लेन्स है इसमें से एक तीसरा प्लेन पास हो रहा है, उसका इक्वेशन हमको निकालना है, किसका, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, और इनके इंटरसेक्शन यानी इस लाइन में से जाने वाला तीसरा जो प्लेन है उसका हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन निकालना है, यानी दो प्लेन देंगे उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला तीसरा प्लेन उसका क्या करना है हमको इक्वेशन निकालना है। तो पहले देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में ये एक प्लेन है समझो हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह से एक प्लेन है, मैं दूसरा प्लेन यहाँ पर इस तरह से शो कर देता हूँ, ठीक है, ये दूसरा प्लेन यहाँ पर इस तरह से शो कर देता हूँ, और यहाँ से अगर जोड़ेंगे, जैसे मैंने अभी लाइन बताया था, देखो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन है, ये हमारे पास सेकंड प्लेन है, दोनों का हमारे पास में इंटरसेक्शन ये मिला है। अब फर्स्ट का इक्वेशन अगर हम ले लेते तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू डी है, तो पहले प्लेन का इक्वेशन समझो क्या है, आर, ठीक है, आर एन वन इज इक्वल टू डी वन। ये जो दूसरा है हमारे पास में, ये प्लेन जो है, ठीक है, इस प्लेन का अगर इक्वेशन लेते तो उसको ले लेते हम आर इंटू एन टू इज इक्वल टू डी टू समझो, ये हमारे पास। और अब ये जो इंटरसेक्शन है, इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला जो प्लेन होगा, ठीक है, ये डॉटेड जो है हमारे पास में, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से जा रहा, उसका इक्वेशन हमको क्या करना है, निकालना है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, इसका इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे और एक हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। सो समझो कि हमारे पास गिवन प्लेन्स है, ठीक है। तो गिवन प्लेन में फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, तो गिवन प्लेन में पहला उसका इक्वेशन आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी समझो, ठीक है, डी वन, एंड दूसरा है आर डॉट एन टू इज इक्वल टू समझो डी टू है, ठीक है। तो ये गिवन प्लेन हो गए, अब उनका ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन से ये तीसरा प्लेन जाएगा जिसको हम रिक्वायर्ड प्लेन बोल चुके हैं, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वायर्ड प्लेन यानी कौन है, जो इनके इंटरसेक्शन से जाएगा, ठीक है, उसका इक्वेशन ध्यान में रखेंगे हम आर डॉट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, यहाँ पर लैम्डा है ये कोई एक आधा स्केलर है, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है, यानी रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कौन सा, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अब इसी प्रकार इसको हम थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में अगर ले लेंगे तो वो भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ
ठीक है, ये कौन से फॉर्म में ले लिया, जैसा हमारे पास सिंपल से हमारा जो वेक्टर इक्वेशन है उसमें, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लो तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते इसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में, यानी गिवन प्लेन समझो, गिवन प्लेन्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन था, यहाँ कार्टेशियन में होंगे, यानी क्या बोलेंगे, समझो पहले प्लेन का इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन है समझो हमारे पास में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये दो प्लेन, इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा, जिसको नाम दिया था हमने रिक्वायर्ड प्लेन, उसका इक्वेशन यानी हेडिंग रहेंगे हमारे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। यहाँ पे फिर से ध्यान में रखो, रिक्वायर्ड प्लेन यानी जो इसमें से पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे आप बराबर, ठीक है। तो ध्यान में रखना क्या है कि पहले का पहला जो प्लेन है उसका इक्वेशन, तो उसमें से ये लेफ्ट वाला पार्ट लिख लो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन, ठीक है, प्लस करेंगे, यहाँ पर स्केलर लेंगे, समझो कोई स्केलर है लैम्डा, ठीक है। अब दूसरे का लिखो तो क्या हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से हमने अलग अलग प्लेन्स के इक्वेशंस को देखा हुआ है, ठीक है। अब उनके इक्वेशंस है यहाँ पर चार पांच प्रकार के इक्वेशंस है, कौन से कंडीशन में होते, क्या क्या दिया जाने के बाद कौन सा इक्वेशन लेना है, ये सब यहाँ पर हम पढ़े, ठीक है। अब इसको बराबर आप इत्मीनान से क्या करिए, एक आधी चीज़ अगर नहीं समझे थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देखो, वो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी स्टडी करिए और इसका इस्तेमाल, इन इक्वेशन का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे, जो कि एक्सरसाइज में वगैरह होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, ये जैसे आपको मिल रहा है, मैं आपको इसके पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, उन बच्चों को भी क्या करिए, शेयर करिए जिनको ये शायद नहीं मिल पाता, ठीक है, जो अपने कॉन्टैक्ट्स में होते हैं तीन चार लोगों को भेज देंगे, ठीक है, और उनको कह दो कि फिर एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दे, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसको ऑल पे अगर आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर फिर डायरेक्ट उनको वो मिलते रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसका स्टडी करिए अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।